यानी कि नंबर्स जो हम क्लास टू में या रिवीजन में पढ़ चुके हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे, वही क्वेश्चन सेम है इसमें दिए गए हैं, आपको वही सॉल्व करेंगे हम। नंबर में हमें देखिए बस तब पढ़ना कि तीन अंकों वाली संख्या, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट या टू डिजिट या वन डिजिट, फिर हाउ मेनी नंबर्स इन ऑफ वन डिजिट नंबर्स या हाउ मेनी नंबर्स इन टू डिजिट नंबर, ये सब हम क्या करें रिविजन में फाइंड कर चुके हैं। देखिए अब इसमें भी आपको वही है, और एक आपका सिस्टम था वो भी हम क्या दिए थे रिविजन में बताए थे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिर से। देखिए आपका एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द नंबर शोन इन कह रहा है फॉलोइंग स्पीकर है अबकस। देखिए अबकस की भाषा में देखिए आपका लिखा गया है, इसको हमें क्या करना, नीचे बॉक्स दिया गया है उस बॉक्स में हमें फिल करना है। देखिए हमारा क्या लिखा गया है इसमें ध्यान देते हैं। देखिए आपका पहले हम बना लिया फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका सिस्टम बनाया है इसमें आपका, इसको हम बना लेते हैं पहले। देखिए इस प्रकार बताया इसमें कितने हैं, थ्री है, थ्री बिट्स हैं इसमें आपके, टू बिट्स हैं इसमें आपके, देखिए कितने हैं 1 2 3 4 है इसमें, 4 बिट्स है, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ये आप जानते हैं हमारा 1s होता है, 10s होता है, 100 होता है। फिर यहाँ बॉक्स में फिल किया है, बॉक्स में हमारा कुछ भी 1s कितने हैं 1 2 3 4 है, और 10s कितने हैं 2 तो 2, आपका 100 कितने हैं 1 3 तो 3, इन्हें 100 क्या हो गया 24 हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट भी आपका ऐसी रहे, इसी अकॉर्डिंग हम लगाएंगे नेक्स्ट आपका सिस्टम को सॉल्व करेंगे। ये देखिए दिया गया है, इसमें भी फिर दिया गया है आपका 100 में कितने आप है, ये आपको 1 से ये 10 से ये 100, 100 में कितने दिए गए हैं 4, 100 में आपके 4 हैं बिट्स है इसमें नहीं, 10 में हाई नहीं एक भी, और देखिए 1s में कितने दिए गए 1s में 2 दिए गए हैं। तो यहाँ से हमें नंबर इस बॉक्स में भरना है, नंबर कितना आएगा, 1s कितना आपका, 1s देखिए है ये 1s है तो 1s कितने हैं 2, टेंस कोई हाई नहीं तो टेंस के स्थान पे क्या लिखेंगे 0, 100 में कितने बिट्स हैं 1 2 3 4, 4 है तो 100 में क्या लिखेंगे 4, यानी 402, इन सबका स्पीक क्या हो गया 402 हो गया। आप देखिए नेक्स्ट 2 और बचे हैं उसको आप सॉल्व करिएगा, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा फिल इन द ब्लैंक्स, ये देखिए हमें यहाँ भरना है, तो फर्स्ट आपके लिए कर दिया है, सेकंड देखिए हम बता रहे हैं, फर्स्ट तो कर दिया है, सेकंड देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट इसको हम रिलीज कर रहे हैं, सेकंड में हमें देखिए दिया गया क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम, इसका सेकंड पार्ट लिखे दिया गया 300 आपका 9 टेंस कितना है 0 1s, 0 क्या है 1s, हमें क्या करना है इस नंबर को यहाँ फिल करना है, इस नंबर को फिल यहाँ नंबर फिल करना है, कितना नंबर बनेगा टोटल। तो हमारा देखिए 100 कितने हैं 3, 10 कितने हैं 9, 0, 1s कितने हैं 0, पहले 1s लिखते हैं, 1s कितना आपका 0, 10s कितना है 1s के बाद 10s आता है, 10s कितना है 9, फिर आपका देखिए 100 आता है, 100 कितना आपका, 100 कितना है 3, तो ये 390 आपका हो गया आंसर। फिर तीसरा देखिए हमारा दिया गया, तीसरे में दिया गया कह रहा 0 100 0 100 0 100 3 10s और देखा 7 1s दे रहा, 7 1s जिसको हम फिर करना बॉक्स में, तो 1s कितना आपका देखिए 1s कितना है 7, 1s के स्थान पे क्या करेंगे 7, 10s कितना है आपका 3, 100 देखिए कितना 100 0 है तो यहाँ 0 लिख दीजिए, 0 नहीं लिखेंगे तब भी हमारा चलेगा, 47 ही लिख दीजिए तो तब भी हमारा आंसर सही है। अब बाकी देखिए दिया गया 701 10s 6 दिया गया, 701 10s 6 1s दिया गया, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, ये देखिए बाकी ये सब लिखा गया है, ये नंबर कितना हो जाएगा 1s कितने हैं 6, 10s कितने हैं 1,
और 100 कितना है आपका देखिए 7, तो 716 आपका ये हो जाएगा आंसर। ये आपका फोर्थ था। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए इसमें भी हमें क्या करना, फिल करना, बजट इसी का रिवर्स है क्वेश्चन। हमें क्या करना था, 1, 10, 100 अलग दिया गया था, तो हमें एक नंबर बनाना था इसमें। तो अब देखिए हमें नंबर दिया गया, आपको क्या करना, 1, 10 हमें अलग अलग सेपरेट करके लिखना, कितने 1 है, कितने 10 है, कितने 100 है, सबको अलग अलग करके सेपरेट करके हमें लिखना है। तो इसको करते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं। तीसरे में भी कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, हमारा फिल किया करना, हमें फिल करना है। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला तो किया है क्वेश्चन कैसे लिखिए, तीसरी का फर्स्ट है करा 125 दिया गया, फिर यहाँ दिया गया आपका देखिए बॉक्स बनाया है यहाँ से, फिर लिखा 100, फिर बॉक्स बनाया है, फिर आपका लिखा गया यहाँ से 10, फिर यहाँ बॉक्स बनाया है, इसके बाद लिखा है 1s। अब इसमें हमें बताना है कितने 1s है, कितने 10s है, कितने 100 है। तो 1s देखिए कितने हैं 5, तो 1s वाला आपके ये 1s रहेगा, तो यहाँ 5, फिर 10s कितने हैं आपके 2, तो यहाँ 2 भरा जाएगा 10s, फिर 100 कितने हैं, 100 आपके 1 है। देखिए सेम है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 293 है, ये आप बॉक्स दिया गया है, फिर यहाँ पर भरा है हमारे क्या 100 है, फिर आपका देखिए यहाँ से बॉक्स बनाया है, फिर 10s लिखा है, फिर बॉक्स बनाया है आपका 1s लिखा गया, हमें क्या करना भरना। तो देखिए 1s कितना है आपका 3, तो 1s कितना होगा यहाँ आगे भरा जाएगा 3, 10s हमारा कितना है 9 है, तो देखिए 10s में हम क्या भरेंगे 9, फिर ये 100 है आपका, 100 में क्या भरेंगे 2, देखिए आपका आगे वाला 100 है, फिर 10s आपका, फिर 1s, पीछे चलिए आपका 1s देखिए ये है, फिर 10s है, फिर ये 100 है, तो हमें वैसे इसको ऑर्डर फिल करना है। तो 10s कितना हो गया 3, 1s कितना, 1s कितना हो गया 3, 10s कितना हो गया 9, और 100 कितना हो गया 2, ये आपको फिल कर दिया गया। अगला देखिए हमारा दिया गया तीसरा, एक और देख लीजिए सीधा, अब तो आप इजीली फिल कर ले जाएंगे आप। इस बॉक्स में हमें भरना क्या 100, इस बॉक्स में 100 कितना है आपका भरना हमें, फिर दूसरे बॉक्स में हमें भरना है 10s, इस नंबर में 10s कितना है भरना है, तीसरे बॉक्स में हमें भरना है 1s, इस नंबर में कितने 1s है वहां भरना है। तो इस नंबर में देखिए पहले करते हैं पिछले बार, तो 1s कितना आपका 0, इस बॉक्स में पहले वाले में भरा जाए, दूसरे बॉक्स में हमें 10s भरना, 10s कितना आपका 1, तीसरे बॉक्स में हमें 100 भरना, 100 को कितना आपका 800 हो गया, जैसे इधर से बन लीजिए 800, फिर 110, 0 1s। चलिए इसको बाकी सॉल्व करिएगा, बाकी आप 2 बचे हैं, 2, 4, 3 और बचे, उसको आप सॉल्व करिएगा इसको अकॉर्डिंग। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कह रहा हाउ मेनी वन डिजिट नंबर आर कर रहा देयर। आप देखिए हमें यहाँ पे फिल करना है, फिल दिया गया है, हमें सॉल्व करके फिल करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा हाउ मेनी वन डिजिट नंबर आर देयर, कह रहा है एक अंकों वाली संख्या में कितने नंबर होंगे, एक अंकों वाली संख्या में कितने नंबर होंगे, वो हमें क्या करना फाइंड करना। तो देखिए हम पहले लिख देते हैं क्या एक अंकों की संख्या है कितनी होती है, पहले हम उसको राइट कर लेते हैं। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, तो हमें लिखेंगे वन नंबर डिजिट, वन नंबर डिजिट, देखिए वन नंबर डिजिट क्या होंगे, नंबर वन डिजिट नंबर या वन डिजिट नंबर लिखिए, वन डिजिट नंबर एक अंकों की संख्या, कौन कौन से, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9, ये देखिए आपके इतने नंबर्स क्या है, वन डिजिट नंबर है। इसके बाद आपका 10 हो जाता है, 10 में क्या होते हैं 2 डिजिट, देखिए अगर हम 10 लिखते हैं, 10 में कितने डिजिट है, देखिए 0 और 1 2 डिजिट, तो आपके 1 कितने डिजिट, 1 नंबर के कितने डिजिट होंगे, देखिए आपके ये नंबर कितने होंगे, इतने, यानी कितने हो जाएंगे टोटल 9। तो हमें लिखना है, देखिए फिल करना है, चौथा का फर्स्ट इसमें दिया गया बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में हमें फिल करना। तो क्या फिल करेंगे हम, कितने नंबर्स हैं हमारे 9 नंबर, तो इस बॉक्स में कितना फिल किया जाएगा 9, तो यहाँ देख सकते हैं वन डिजिट नंबर, टोटल वन डिजिट नंबर इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 9, टोटल वन डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे 9, खैर हमें फिल करना है यहाँ से। दूसरा दिया हाउ मेनी कर रहा है नंबर है पर हम ओनली 3 डिजिट, हाउ मेनी नंबर है पर हम ओनली 3 डिजिट, कितने ऐसे नंबर है जिसमें क्या होते हैं 3 अंक होते हैं,
How many numbers are there only 3 digits? ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें क्या है केवल 3 अंक होते हैं, हमें वो नंबर्स क्या करना है, फाइंड करना है। वो नंबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि उसमें कितने नंबर होते हैं, यानी कि हमें इसमें इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यानी कि 3 अंकों की संख्या कितनी होती है उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं हमें फाइंड करना। तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए आपका 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमें फिर यहाँ क्लिक करना है। पहले इसको हम समझते हैं 3 अंक कितने होंगे। तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होगा, 100, फिर 101, फिर 102, फिर आपका 100 ऐसे डाट डाट करके कहाँ जाएगा, 999 तक। इसके बाद आपका 1000 आ जाएगा, 1000 में कितने अंक हो जाएंगे, 4, जो कि हमें 4 अंक लेना नहीं, 3 अंक। तो 100 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 कहाँ तक जाता है, 999 तक। इसके पहले देखिए हमारा अगर हम 1 से देखें, 1 2 डाट डाट कितना था, 99। अगर यहाँ से नंबर यहाँ से 1 से 99 देखें तो ये 9100 कितना है, 99 नंबर है। और अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो अगर हम काउंटिंग करेंगे 1 से लेकर 999 तक, तो ये पूरी संख्या कितनी हो जाएंगी, 999। अब लिखिए 999 में से हम ये 99 घटा दें, मतलब एक अंक की संख्या और 2 अंकों की संख्या घटा दें, तो हमारा 3 अंक यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, हमें 3 अंकों की संख्या मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस 999 में से क्या करेंगे, 99 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। याद लिखेंगे क्या है, टोटल क्या है, 3 डिजिट नंबर्स, टोटल 3 डिजिट नंबर हमारा हो जाएगा, टोटल 3 डिजिट सर नंबर, देखिए नंबर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, इतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, फिर 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, फिर आपका ये हो जाएगा 9, यानी 900 हो गया। हमारा क्या है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी, 900 बनेंगी। ठीक, 3 अंकों कितनी संख्याएं बनेंगी, 900। अब देखिए हमें तीसरे में बताना है, तीसरे में कह रहा 200, हाउ मेनी नंबर है, कह रहा 1 2 3, ऐसे कितनी संख्या है जिसमें 2 अंक होते हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पर दूसरा था हमें फिल करना था, क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन के आगे आपका एक ब्रैकेट दिया गया, वहाँ हमें फिल करना है। ये तीसरा दिया गया है, तीसरे क्वेश्चन के क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा हाउ मेनी, कह रहा हाउ मेनी नंबर है, कह रहा 1 3 1 2 3 3 हो गया, 1 2 3, ऐसे कितनी संख्या है जिसमें 2 अंक होते हैं। तो 2 अंक वाला देखिए कहाँ से, 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से। इसके पहले 9 था, ये सब नंबर थे 1 से लेकर आप कितने थे, 5 7 8, ये देखिए आप ये नंबर से इधर 9, यहाँ से आप देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 10, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 2 अंक, तो यहाँ से 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 99, फिर 100 देखिए 3 अंक नहीं तो हमें लेना नहीं, बस इतने अंक हमें लेना, यही 10 से लेकर 99 तक हम गिनेंगे कितने अंक हैं, तो गिनना हमें नहीं है, कैसे हमें फाइंड करना है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम 1 से देखें, अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो यहाँ तक कितने नंबर हो जाएंगे, 99 नंबर हो जाएंगे। कितने टोटल नंबर हो जाएंगे, मतलब 1 अंकों की संख्या मिलाकर क्या, वो 2 अंकों की संख्या मिलाकर कितने हो जाएंगे, 99। अगर हम 1 अंकों वाली संख्या और 2 अंकों वाली संख्या में से 1 अंकों वाली कितनी संख्या आपकी, 9, तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं 1 अंकों की कितनी संख्या, 9 है। तो अगर 1 अंकों की संख्या हम घटा दें तो बाकी देखिए अगर 1 अंक की संख्या कितनी है, 9 है, यहाँ से देखिए गिनेंगे तो 9 है। इस 9 को क्या करेंगे, इस पूरे में से हम क्या करेंगे, इस पूरे में से इस 9 कितनी को घटा देंगे, तो यहाँ से 10 से 99 तक हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा, 90, 9 से 9 के 0, फिर 9 ये 90, यानी कि हमारे 2 अंकों के टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे, 90 हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन दिया गया, सर्कल के डिजिट इनका रहा वंस पैलेस, यानी कि हमें इसमें सर्कल करना है, जो वंस पैलेस पर डिजिट है उसको हमें सर्कल करना है। तो ये तो इजीली हो जाएगा, हम जानते हैं पीछे से हम पढ़ते हैं नंबर्स को, 1, 10, 100, 10,000, 10,000,000, 10,000,000, 10,000,000, 10,000,000,000, 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 10,000,000,000,000, 10,000,000,000,000, 10,000,000,000,000, 10,000,000,000,000,000, 10,000,000,000,000,000,000, 10,00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 0,
तो वंस पैलेस पे हमें क्या करना, सर्कल करना। तो ये आपका सवाल पांच, क्वेश्चन नंबर फाइव है दिया गया। पहला नंबर दिया गया 375, तो इसमें देखो वंस हमें करना है, वंस डिजिट पैलेस पर। तो हमारा वंस कितना है इसमें, ये तो आपका वंस है 1000, तो वंस कौन ही है, आज से हमें सर्कल कर देना। नेक्स्ट नंबर दिया गया आपका 573 दिया गया, वंस इसमें देखो कितना है 3, ऐसे सर्कल कर देना। फिर अगला नंबर दिया गया है 806, तो इसमें वंस कितना आपका 6 वंस है, तो इसमें सर्कल कर देना, ऐसे करना। दो और दिया गया, उसमें भी सर्कल करना। अगला दिया करा है सर्कल की डिजिट इनका रहा है 10th पैलेस। छठवां नंबर दिया गया है सर्कल करना किस पे, 10th पैलेस पर। तो
तो ये देखिए 278 दिया गया। अब देखो इसमें टेंस कौन है, पहला तो वंस होता है, ये आपका सेकंड डे क्या होता है टेंस पीछे से, हम इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे वंस लिख गया टेंस, इस पर हम सर्च करना। दूसरा नंबर दिया गया आपका, दूसरा नंबर दिया गया 490, तो इसमें देखो टेंस क्या है, वंस ए टेंस है, इस पर सर्च करना। तीसरा नंबर हमारा दिया गया है 903, 900 हमें दिया गया है 3, तो वंस टेंस कौन है जीरो है, तो इस पर सर्च हमें करना है। बाकी देखिए और नंबर दिए गए सॉल्व करिएगा। तीसरा देखिए सातवां दिया गया है, इसे छोड़िए, सातवां दिया गया कह रहा है इन सर्कल के डिग्री जिन कह रहा है 100 पैलेस, जो कह रहा है 100 पैलेस पर डिजिट साउथ का अगर ये सर्कल करिए, देखिए जैसे दिया गया 729, अब तो कुछ में 100 पैलेस पर डिजिट कौन है, वंस टेंस 100, 100 पैलेस पर ये डिजिट है, तो इसको हम क्या करेंगे सर्कल करेंगे। अगला नंबर दिया गया 927, इसमें देखो हमारा 100 पैलेस पर कौन है, वंस टेंस 100 पैलेस पर 9 है, तो इस पे हम क्या करेंगे सर्कल करेंगे। अगला नंबर दिया गया है 297, इस पे देखो 100 पैलेस पर कौन है, वंस टेंस 100 पैलेस पर 2 है, ये देखिए हमारा सर्कल करेंगे। बाकी दो और दिए हैं, सो आप ऐसे करिएगा। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा राइट द 3 डिजिट नंबर फ्रॉम करा फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें कह रहा है 3 अंकों की संख्या लिखनी है फ्रॉम करा फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म, जो नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए गए हैं उनका यूज करके हमें 3 अंकों की क्या करनी है संख्या लिखनी है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दिया गया है क्या करना है इम्पैक्ट फॉर्म में हमें उसको लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया हमें इम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, इम्पैक्ट फॉर्म मतलब शॉर्ट वर्ड में हमें लिखना है। देखिए जैसे पहला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट दिया गया है 700, फिर दिया गया आपका 760 प्लस 9, 60 प्लस 9, इसको हमें स्पैंडर्ड दिया गया हमें इसको कंपैक्ट रूप में क्या करना है फिल करना है, तो देखते हैं चलिए हम भरते हैं यहाँ से कंपैक्ट बनाते हैं 769, 760 है 9, फिर 769 होगा, चले करते हैं वंस कितना दिया गया 9, टेंस कितना दिया गया 6, 100 कितने दिए गए 700, तो 760 आपका हो गया। सेकंड देखिए दिया गया 500 प्लस 70 प्लस आपका लिखे गया खो दिया गया, यहाँ हमें फिर करना है, तो इसमें देखते हैं हम इसमें देखो वंस कितना, पहले वंस देखेंगे, पहले वंस किसी कंप्लीट करेंगे, वंस कितना आपका 2, टेंस कितने आपके 7, देखिए 0 नहीं लिखेंगे टेंस लिखेंगे, टेंस कितने हैं आपके 7 टेंस हैं, अब देखिए 100 कितने हैं 500, यानी 5 लिखेंगे, तो कौन सा डिलीट है कि टेंस कितने हैं 5 7, वंस कितने हैं 2, 100 कितने 5, ये हमें डिजिट लिखना, इसका 0 नहीं लिखना, जो फिर करेंगे बड़ा नंबर हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, दिया गया 100 प्लस 90 प्लस 0 दिया गया है, तो इसमें देखिए इसमें हमें फिर करना है, तो इसमें देखिए वंस कितना आपका वंस 0, वंस के स्थान पे 0, टेंस कितना आपका देखिए यहाँ 90 दिया गया 90 9 टेंस होंगे, फिर 100 देखिए दिया गया 100 में आपका 1 टेंस 100 होगा, तो ये 190 आपका हो गया आंसर। अगला देखिए हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, इसको आप बाकी दो बच्चे इसको फिल करिएगा, कह रहा है नाइन्थ का देखिए ई दिया गया है, नाइन्थ का ई पार्ट दिया गया है, कह रहा है यूजिंग 2, 3 and 7 टू मेक अ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर, 1 डिजिट विल बी कह रहा है यूज ओनली वंस इन कह रहा नंबर, कह रहा 2, 3, 7 का प्रयोग करके हमने जितने संभव नंबर हो सके हैं 3 अंकों के जितने संभव नंबर हो सके हमें करना है, उस नंबर हमें बनाना है, 1 डिजिट कह रहा विल बी कह रहा यूज ओनली वंस इन नंबर, कह रहा इस संख्या में एक डिजिट केवल एक ही बार प्रयोग होना चाहिए, तो कितने बनेंगे हमारा नंबर कितना दिया गया डिजिट कितना दिया गया 2, 3, 2 दिया गया 3 दिया गया 7, इसका यूज करके हमें कितने नंबर बनेंगे उसको हमें फिट करना है, देखिए बॉक्स क्या प्रोवाइड किया है उस बॉक्स में हमें भरना है, तो चलिए भरते हैं, पहले हमें क्या दिया गया 6 नंबर बनेंगे, 6 नंबर बनेंगे, 6 नंबर हमें क्या करना है इस बॉक्स में क्या करना है फिट करना है, बॉक्स थोड़ा छोटा बना लेते हैं, दोनों में
अब देखिए जैसे हम यहाँ देखते हैं, देखिए हम दो में 100 पैलेस पर दोनों रखेंगे ऑलरेडी। इसके बाद इसमें 10 पैलेस पर 3 लिख देंगे, 1 पैलेस पर 7 लिख देंगे। अब तो कोई इसी का उल्टा एडजस्ट कर देंगे, यहाँ 10 पैलेस पर 7 लिख देंगे, 1 पैलेस पर क्या लिखेंगे 3 कर देंगे। ठीक, दो नंबर हमारा हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, 100 पैलेस पर 3 लिखेंगे, दो नंबर में 100 पैलेस पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 पैलेस पर यहाँ 2 लिख दे रहे हैं, 10 पैलेस पर 2, 1 पैलेस पर 7। अब देखो यहाँ हम जो 1 पैलेस लिखे हैं 10 पैलेस लिख देंगे, मतलब 10 पैलेस पर 7 और 1 पैलेस पर आप लिखेंगे 2, बस इसी का उल्टा एडजस्ट कर ले रहे हैं। अब यहाँ हम 7 आगे रखेंगे, 700 आगे रखेंगे, फिर क्या करेंगे, 10 पैलेस पर हम 3 लिखेंगे, 1 पैलेस पर 2, फिर यहाँ 10 पैलेस पर 2 और 1 पैलेस पर 3। ये देखिए हमारे 6 नंबर हो गए। इसमें देखिए कोई भी अंक दोहराया नहीं गया और कोई भी नंबर सेम नहीं लिखा गया, सब नंबर क्या डिफरेंट नंबर है, सब नंबर क्या डिफरेंट नंबर है, सबका देखिए अलग अलग यूज हुआ है। अब देखिए इसी प्रकार हमें बी भी भरना है। बी देखिए हमारा क्या दिया गया है, 4 5 6 दिया गया है, 4 5 6 इसका यूज करके हमें क्या करना है, यहाँ भी क्या करना है, 6 भरना है, 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 नंबर हमें भरने हैं। तो इसी प्रकार हम ये भी करेंगे, कह रहा है इसका यूज करके 6 अंक, कह रहा है राइट 6 2 3 नंबर, कह रहा है एक अंक का प्रयोग केवल एक ही बार हो, तो इसी अकॉर्डिंग हम ये भी लगाएंगे। चलो करते हैं, टेंस 100 प्लस पर देखिए 2 में हम क्या कर रहे हैं, 4 4 रख दे रहे हैं। अब देखो टेंस इसको हम बदलेंगे, पहले देखो 56 लिखेंगे, 5 6, अब क्या करेंगे 6 यहाँ रख देंगे, इसको उल्टा देंगे, यानी 6 पहले लिखेंगे 5 बाद में, देखो इसको उल्टा कर देंगे। अब क्या करेंगे 5 2 में लिखेंगे, 5 क्या लिखेंगे, 5 5 2 100 लिखेंगे दो नंबर में। अब क्या करेंगे आप 4 और 6 लिख देंगे, 4 6 लिखेंगे आप 6 4 लिखेंगे, 4 6 लिखे ना आप 6 4 लिख देंगे। अब यहाँ 6 दो नंबर पर रखेंगे, 600 पर इसका। अब क्या करेंगे यहाँ 4 लिखेंगे, 5 5 4 5 लिखे, अब यहाँ लिखेंगे 5 4 4 5 5 4, उल्टा करते हैं, ये हमारा क्या हो गया नंबर हो गया। खैर हमें यहाँ फिल करना, बॉक्स दिया गया है इसमें हमें फिल करना, हमें दिया गया है पहला दिया गया 10 का नंबर ऊपर लिख दिया गया, नंबर लिखा गया 210, कहाँ लिखा गया है देखिए लिख दे रहे हैं हम 215, 512, 125, फिर लिखा 251, फिर लिखा 521, फिर लिखा गया 152। ये नंबर्स लिखे गए हैं, इन नंबर्स का हमें देखिए फिर लिखा गया है इन क्वेश्चन के लिखा है इन 215 करा प्लेस वैल्यू आप कह रहा 2, फिर यहाँ बॉक्स दिया गया भरना है, फिर कामा लगाया है, फिर आप कह रहा 1 का भरना है, फिर यहाँ बराबर करके बॉक्स दिया गया है, बराबर करके क्या दिया बॉक्स दिया गया है, फिर कामा लगाया, फिर आप किसका दिया गया 5 का, फिर बॉक्स बनाया है, ऐसे हमें भरना है, क्या करना इस बॉक्स में हमें क्या करना फिल करना। तो यहाँ से देखिए आपका पहले देखते हैं इस नंबर में, तो 2 किस पैलेस पर है, पहले 1 चलते हैं, किस चलते हैं 1 देखिए आपका कितना 5 1 है, यहाँ क्या भरा जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 1 कितना हो जाएगा 5, टेंस कितने हैं 1 टेंस, तो यहाँ देखिए आपका 10 भरा जाएगा, कितने टेंस है 1 टेंस मतलब 10, और 100 कितने हैं आपके 200, तो यहाँ 2 भरा जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं दूसरा, इन देखिए इसमें क्या रहा है कितना आपका 512 में प्लेस वैल्यू भरना है, किसका प्लेस वैल्यू भरना है, आप देखिए पहले 100 पैलेस पर क्या है 500 पैलेस पर 5, फिर आप देखिए 1 पैलेस पर कितना 1 प्लेस पैलेस पर कितना 1, फिर देखिए आपका फिर काम हो आप यहाँ 2 है बॉक्स, अब देखिए हमें यहाँ भरना है, तो देखिए 1 कितना आपका 2 1 है, तो 1 पैलेस पर आपका 2 का भरना है, तो 1 पैलेस पर आपका 2 है, फिर क्या करना है 1 का 1 का भरना है, 1 देखिए किस पैलेस पर 10 है तो 10 हो जाएगा, 5 का देखिए पैलेस पर कितना हो जाएगा 500, यानी 2 का पैलेस पर 2, 1 का पैलेस पर 10 और 5 का पैलेस पर कितना हो जाएगा 5। देखिए हम पैलेस पर ऐसे निकालते हैं, एक आप देख लीजिए
आज तक निकालते थे पीएफ टू टू मल्टीप्लाई वन करते थे टू आ जाता था, ये वन मल्टीप्लाई टेन करते थे टेन आ जाता था, फिर फाइव मल्टीप्लाई हंड्रेड करते थे कितना आ जाता था हंड्रेड फाइव हंड्रेड ये होता था। आप देखिए टू का पहले बल कितना होगा टू, देखो टू का पहले बल पूछ रहा है, फिर यहाँ से वन का पहले बल पूछा कितना था, वन का पहले बल कितना आया है टेन। आप फिर देखिए हंड्रेड फाइव क्या हंड्रेड, तो फाइव का पहले बल कितना आया हंड्रेड, आप फाइव पूछ रहा फाइव का पहले बल कितना आया हंड्रेड। इसी प्रकार हमें क्या करना आगे धीरे से करना भरना फिल करना है। चले देखते हैं अब देखिए बाकी इसी तरह क्वेश्चन रहेंगे। एक और देख लीजिए इन नंबर देखिए इन नंबर वाला कितना है वन टू फाइव, पैलेस लिखना है पैलेस वैल्यू, किसका लिखना है पैलेस वैल्यू, आप देखिए पहले वन हंड्रेड की रहा वन है, वन का लिखना है वन नंबर है वन का लिखना है, फिर कहा आप देखिए अपर टू लिखना है बॉक्स बनाया है इक्वल करके, फिर आपका आप किसका लिखना है फाइव का लिखना है फिर इक्वल करके बॉक्स बनाना है। देखो फाइव किसका फाइव का पैलेस वन क्या है वन पैलेस पर है, तो इसका पैलेस वैल्यू क्या हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाई वन इक्वल टू फाइव हो जाएगा, तो यहाँ फाइव बढ़ा जाएगा। अब देखो टू किसके पैलेस पर है टू वन टेंथ पैलेस पर है, तो टू मल्टीप्लाई टेन इक्वल टू ट्वेंटी, तो टू का पैलेस वैल्यू कितना हो जाएगा ट्वेंटी, फिर वन किस पैलेस पर है वन मल्टी हंड्रेड पैलेस पर है वन मल्टीप्लाई हंड्रेड कितना हो जाएगा वन हंड्रेड, तो वन का पैलेस वैल्यू कितना हो जाएगा हंड्रेड, तो ये आपका हो गया आंसर। बाकी देखिए इसी तरह से भरा जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 11 ग्राफ फाइंड दी सम ऑफ पैलेस वैल्यू ऑफ सेम डिजिट इन करा गिवन नंबर, हमें क्या करना है गिवन नंबर दिया है नंबर दिया गया उसमें हमें नंबर्स में क्या करना है पैलेस वैल्यू भरना है, किसका किसका पैलेस वैल्यू भरना है पैलेस वैल्यू आपका है सेम डिजिट्स इन कह रहा है नंबर, हमारा जो सेम डिजिट है उसमें हमें क्या करना है पैलेस वैल्यू उसका फिल करना है। चले देखते हैं कभी समझ में आया क्वेश्चन देखते हैं। इलेवन का देखिए आपका फर्स्ट है इलेवन का फर्स्ट देखिए दिया गया है, जैसे आपका दिया गया है 727 में देखो इसमें सेम डिजिट कौन कौन से हैं सेवन और दो सेवन है इसमें सेम डिजिट, तो ये सेवन का कितना हो जाएगा पैलेस वैल्यू होगा किस पैलेस पर हंड्रेड पैलेस पर, तो सेवन का पैलेस वैल्यू कितना होगा 700, ये सेवन किस पैलेस पर होगा वन पर, तो इस सेवन का पैलेस वैल्यू कितना हो जाएगा सेवन, तो बाकी दोनों को जोड़ करके लिखना है दोनों का जो सेम डिजिट है दोनों का पैलेस वैल्यू निकाल करके हमें जोड़ना है, तो 700 है उसका सेवन, एट कर दीजिए कितना हो गया 707। नेक्स्ट नंबर देखिए हमें दिया गया है नेक्स्ट नंबर एट दिया गया है 844, तो इसमें देखो इसमें हमें फिर करना है इसमें सेम डिजिट कितने हैं 4 को, तो इस आपका 10th डिजिट वाले का 4 का 10th पैलेस पर जो 4 है उसका पैलेस वैल्यू कितना होगा 14, 1st पैलेस पर जो 4 है उसका पैलेस वैल्यू होगा 4, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 44। बाकी तीसरा देखिए दिया गया तीसरा नंबर आपका 6663। अब इसमें देखो इसमें स्क्वाडिंग ये 6 किस पैलेस पर 100, तो इस पहले वाले 6 का पैलेस वैल्यू कितना हो जाएगा 100 600, ये आप किस पैलेस पर है दूसरा 6 कितना है 10th पैलेस पर, तो इसका हो जाएगा 60, जोड़ दीजिए 660 हो गया। बाकी देखिए चौथा आप स्वयं करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन इसका क्वेश्चन का देखिए लास्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कह रहा है पैलेस वैल्यू ऑफ, देखिए हमें डिफरेंस निकालना है पैलेस वैल्यू में डिफरेंस निकालना है, देखिए पहला कह रहा है 7 इन नंबर कह रहा है इन नंबर कितना दिया गया है 767, देखिए हमें इसमें दोनों 7 का क्या करना पैलेस वैल्यू निकाल लेना पैलेस वैल्यू निकाल करके क्या करना फिर डिफरेंस निकाल लेना। अब देखो यहां वहां ऐड करना था हमें डिफरेंस निकालना वहां ऐड करना था यहां क्या करना हमें डिफरेंस निकालना, देखो इस 7 का पैलेस वैल्यू कितना होगा यहां 100 पैलेस पर 7 है तो इस 7 का पैलेस वैल्यू 100 होगा, ये 1 पैलेस पर है 7 तो इसका 67 का पैलेस वैल्यू क्या होगा 7 होगा, अब 700 में से 7 घटाएंगे तो सबट्रैक्ट कर लिए कितना हो जाएगा 693, ये देखिए आप आएगा सबट्रैक्ट करिएगा। अगला देखिए हमें नंबर दिया गया दूसरा नंबर हमारा दिया गया 5 इन करा 559 इन नंबर दे रहा 559, इसमें हमें करना है दोनों 5 का क्या करना पैलेस वैल्यू निकाल के घटाना, तो पहला 5 देखिए इस 5 की बात करें तो ये इस पैलेस पर 100 पर तो इसका पैलेस वैल्यू कितना हो जाएगा 500, ये दूसरा 5 क्या है 10th पैलेस पर है तो इसका पैलेस वैल्यू कितना हो जाएगा 50, दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे दोनों को क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर लेंगे 500 में से 50 जाएगा कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, सबट्रैक्ट करिएगा ये आपका आंसर हो गया, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था।
अब देखिए इस क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज आपका 2.1 पढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप इसको फेयर कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।